मैं हूं सानिया देसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत सरकार ने एक बार फिर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े झूठी जानकारी फैलाने के लिए यूट्यूब चैनलों के कुछ वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। INB मंत्रालय ने इस बार 10 YouTube चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। इसे लेकर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी INB ने ट्वीट किया है कि वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश 23 सितंबर 2022 को सूचना के तौर पर दिए गए थे। ब्लॉक वीडियो को लगभग 1,30,00,000 से अधिक बार देखा गया है। इस वीडियो को इसलिए ब्लॉक किया गया क्योंकि इसमें नकली समाचार और धार्मिक समुदाय के बीच नफरत फैलाने के इरादे थे। इस वीडियो में ऐसे उदाहरण दिए गए जिसमें झूठे दावे शामिल है, जैसे कि सरकार ने धर्म में फर्क करना शुरू कर दिया है और कुछ धार्मिक लोगों का अधिकार छीन लिया है। इस मामले पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी लगभग 102 यूट्यूब चैनलों को बंद करा दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं जब 10 चैनल बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 102 YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया गया है। चाहे 5 ट्विटर अकाउंट्स हो, 4 फेसबुक अकाउंट्स हो, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो, इनको भी पूर्व में बंद किया गया जो देश के खिलाफ जहर उगलते थे और देश को बांटने का काम करने का प्रयास करते थे। ऐसी जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, जो इस तरह के प्रयास भविष्य में भी करेंगे, उनके खिलाफ भी भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय समय समय पर कदम उठाता रहेगा।